हाय एवरीवन, वेलकम टू नीरोग टूडी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही उपयोगी औषधि प्लान के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक कंटकारी का पौधा है जो आपको दिखाई दे रहा है। यह एक कंटकारी आज से कई नामों से जाना जाता है, जैसे नीली कटीली कंटारी आज कई नामों से इसे जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पूरे शरीर पे आपको कांटे ही कांटे दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो फूल हैं आपको नीले कलर के, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसका जो आप देख रहे हैं, इसका पुष्पदल जो है वह भी आपको नीले पीले कलर में दिख रहा है। यह एक बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है जो आपको हर जगह आपको मिल जाएगा। यह गर्मी में भी आपको इस समय जो मौसम है उसमें भी आपको यह दिखाई दे जाएगा। यह हर रोग में पीलिया बवासीर जितने भी रोग हैं, खांसी जुखाम दमा पेचिस पेट की कीड़े मूत्र रोग जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है। तो चलिए, इसके जो बहुत ही उपयोगी औषधि गुण हैं हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। पथरी रोग में क्या है कि कटेरी की जो आप इसका रस है, अगर 5 से 10 ml को शहद के साथ अगर प्रतिदिन सुबह शाम अगर पीते हैं तो पथरी क्या करेगा, यह गला का निकाल देगा। इसके साथ ही यह पेशाब जो रुक रुक कर आता है उसमें भी यह बहुत ही कारगर होता है। इसका यह खांसी बुखार जुकाम में क्या है कि इसका एक बहुत ही चमत्कारी औषधि प्रयोग है जो कई सालों से मैं इसके बारे में सुनते आ रहा हूँ। मैंने खुद भी प्रयोग किया है। यह इसका बहुत ही उपयोगी है। जो कई सालों से खांसी आ रही है वह क्या है कि खत्म नहीं हो पा रही है, फिर भी लोग क्या है कि कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कितनी सारी दवाओं का प्रयोग करते हैं लेकिन खांसी की वजह से वो रात को सो नहीं पाते हैं और बहुत परेशानी का सामना करते हैं। इसके लिए इसका एक बहुत ही उपयोग है कि कंटकारी के जो आप पत्ते देख रहे हैं या इसका पूरा क्या करेंगे, थोड़ा पत्ते को ले लेंगे, 5 से 10 पत्ते जैसे ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लसोड़ा जिसको आप जानते हैं उसको पत्ते ले लेंगे 4-5 उसको भी, और थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे 5 से 8 ग्राम तक, और काली मिर्च ले लेंगे 2 से 3 ग्राम तक, और इन सभी को मिलाकर अगर काढ़ा बनाकर अगर नियमित अगर पीते हैं तो पुराने से पुरानी खांसी जुखाम बुखार जितनी भी समस्याएं हैं, आप अगर थक गए हैं दवा खा खा के परेशान हो गए हैं, का अगर नियमित सेवन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको 2 ही 3 दिन में बहुत ही चमत्कारी इसका औषधि प्रयोग आपको मिलेगा और इन सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। कान में क्या है, जैसे कि कीड़े पर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है और उसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो कटेरी के जो पौधे को क्या करेंगे, आग में जलाकर इसके पौधे का जो धुआं है उसको हम क्या करेंगे, कान के पास ले जाएंगे, कान में इसके ले जाएंगे। तो अगर कान में इसका धुआं जाता है तो आपके कान के कीड़े हैं वो मर जाएंगे और उसके बाद क्या मिलेगा, आपको बहुत ही चमत्कारी आपको फायदा होगा और दर्द से असहनीय पीड़ा से आपको आराम मिलेगा। अंडकोश की सूजन में भी इसका बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है। जो आप देख रहे हैं कंटकारी की जड़ की छाल का क्या करेंगे, चूर्ण 10 ग्राम और 5 ग्राम काली मिर्च के चूर्ण को पानी में क्या करेंगे मिलाकर कुछ दिनों तक अगर सेवन करने से अंडकोश में जो सूजन है उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे सूजन और दर्द में आराम मिलेगा। यह भी इसका एक बहुत उपयोगी औषधि प्रयोग है। एक बहुत उपयोगी औषधि प्रयोग है यौन जनित बीमारियों में, जो हर कोई किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, जो कंटकारी की जो आप देख रहे हैं इसकी 25 ग्राम इसकी जड़ को क्या करेंगे, इसको जड़ को लेके हम क्या करेंगे सुखा लेंगे, उस जड़ को सुखा कर रख लेंगे और उसको क्या करेंगे हम उसी की मात्रा में मिस्त्री ले लेंगे और मिस्त्री को लेकर
क्या करेंगे, चूर्ण बनाकर और रख लेंगे। अगर उसे सुबह और शाम दूध के साथ या पानी के साथ नियमित अगर सेवन करते हैं 5 से 8 ग्राम की मात्रा में, जितने हैं जितनी भी सारी समस्याएं हैं, नपुंसकता हो गया, धात रोग हो गया, जितने भी स्पर्म आपके कम हो गए, कमजोरी है शरीर में, जितनी भी समस्याएं, अगर इसका कुछ ही दिन अगर सेवन करते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब में आपको बहुत ही उपयोगी औषधि इसका यह प्रयोग है, जो मैंने कई सालों से मैंने काम किया और लोगों को इससे फायदा भी होते मैंने देखा है। तो आप इसका अगर प्रयोग करते हैं तो इन सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिली। खांसी में भी कंटकारी का अगर पंचांग बनाकर उसमें 1-2 ग्राम क्या करेंगे चम्मच, इसमें 1-2 चम्मच शहद मिलाकर लेते हैं, इसमें भी लाभ प्राप्त होगा। दांत रोग में भी इसका बहुत ही प्रयोग लाभकारक प्रयोग है कि क्या करेंगे, इसका अगर रस निकाल कर रुई में लगा कर अगर जहाँ दांत दर्द कर रहा है उस जगह अगर लगाते हैं तो दर्द में तुरंत आपको आराम मिलेगा और बहुत ही इसका यह औषधि प्रयोग है। अगर ऐसा अगर कंटकारी की जो आप बीज देख रहे हैं उसको भी अगर जला उसका अगर धुआं भी लेते हैं तो उससे भी दांत दर्द में आपको आराम मिलेगा। तो यह इसके बहुत ही उपयोगी औषधि गुण थे जो मैंने इस वीडियो में बताया। इससे पहले मैंने एक और वीडियो इस पर डाली है जो उसके कुछ लाभदायक गुण थे, उस वीडियो मैंने भी बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में दे देता हूँ ऊपर, आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और उपयोगी औषधि प्लांट के रूप में, तब तक के लिए बाय बाय।